हम हमेशा ही MCU के मोस्ट लव्ड और अप्रिशिएटेड सुपर हीरोज की बात आपसे करते आए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं MCU के अंदर ऐसे सुपर हीरोज भी हैं जिन्हें उनके कैलिबर के अकॉर्डिंग अप्रिसिएशन कभी मिला ही नहीं है। इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं कि वो सुपर हीरोज MCU के मोस्ट हेटेड सुपर हीरोज हैं। आज के हमारे वीडियो में हम उन्हीं मोस्ट हेटेड सुपर हीरोज के ऊपर आपसे बात करेंगे। अच्छा, हमारी आज की लिस्ट में सुपर हीरोज उनके हेट के अकॉर्डिंग भी रैंक्ड हैं। हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर जो सुपर हीरो है उसका नाम मून नाइट है, इस पर शायद फैंस भी डिवाइडेड हैं। वैसे अगर मैं पर्सनल लेवल पर बात करूं तो मुझे मून नाइट सीरीज और मार्क स्पेक्टर की डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर वाली बीमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी। वैसे अगर वर्ल्ड वाइड बात की जाए तो फैंस मून नाइट सीरीज की स्टार्टिंग से ही इस बात से डिसअपॉइंटेड थे कि मून नाइट का कैरेक्टर निभा रहे ऑस्कर आइजक इस फिल्म में एक ज्यूइश लड़के का किरदार निभा रहे हैं, जिसकी वजह से फैंस इस शो और मून नाइट को लेकर डिवाइड हो गए थे। वैसे अगर इस पॉइंट को भी हम नजरअंदाज कर दें तो एक रिपोर्ट में ये भी सामने आया था कि फैंस मून नाइट की कॉमिक्स इन एक्यूरेसी को लेकर भी थोड़ा निराश हैं, जिसकी वजह से मून नाइट उनके दिलों में वो जगह नहीं बना पाया था जिसका वो हकदार था। वैसे अगर इस सीरीज की बात करें तो उसने हमें शायद निराश नहीं किया है, पर फिलहाल हम उस पर बात नहीं करेंगे। अब अगर हम बात लिस्ट में अगले सुपर हीरो की करें तो उसके हेट के पीछे शायद हमारा इमोशनल एंगल ज्यादा मैटर करता है। वैसे मैं बात जॉन वॉकर की कर रहा हूँ, जिसको हमने नए कैप्टन अमेरिका के रूप में भी देखा था फॉल्कन एंड द विंटर सोल्जर में, जो हमें कैप्टन अमेरिका के रूप में काफी अनप्रिपेयर्ड दिखा था। वैसे उसके हेट का एक कारण ये भी था कि वो ज्यादा वॉयलेंट और एरोगेंट दिखाया गया था, जिसकी कंडीशन बाद में सिरम मिलने के बाद और भी ज्यादा खराब हो गई थी। वैसे अगर टेक्निकली बात की जाए तो जॉन वॉकर एक हीरो ही था, जबकि उसको पोर्ट्रे विलन के रूप में किया गया था, जिसकी वजह से उसका फाल्कन और विंटर सोल्जर के साथ सीक्वेंस सीरीज में काफी ज्यादा हिट हुआ था। अब नए कैप्टन अमेरिका के बाद हम जिस सुपर हीरो की बात करेंगे ना, आप उसका नाम जानकर हैरान हो जाएंगे। आप जानते हैं यहाँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ? हमारी एवेंजर्स टीम के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर थॉर की। और इस हेट के पीछे जिम्मेदार खुद थॉर नहीं है, दरअसल इस बार रीजन MCU है। इसने थॉर को कहीं कहीं पर बहुत ही ज्यादा कमजोर और अंडर एस्टिमेट कर दिया है, जिसकी वजह से थॉर की कंसिस्टेंसी पर बहुत फर्क पड़ा है। एग्जाम्पल के तौर पर थॉर के पहले दो अपीयरेंस बहुत पावरफुल थे, फिर उसे डाउन किया गया, जिसको फिर से इन्फिनिटी वॉर और रैग्नारक में सही बनाया गया, और बाद में एंड गेम में तो उसको बहुत ही ज्यादा गिरा दिया गया। वैसे मुझे पर्सनली थॉर 11 थंडर से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि थॉर जैसे पावरफुल कैरेक्टर के लिए ये चीज सही नहीं थी। थॉर के बाद अब हम जिस कैरेक्टर पर बात करने जा रहे हैं उसको भी फेज 1 की शुरुआत से ही रिकॉग्निशन की तलाश है, और ऐसा सिर्फ हम फैंस ही नहीं मार्वल स्टूडियोज भी मानते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी इस गलती को सही करने के लिए उस कैरेक्टर के ऊपर एक पूरी की पूरी सोलो वेब सीरीज भी बनाई है। वैसे ज्यादा सस्पेंस ना बनाते हुए मैं बता दूं कि हम यहाँ बात हॉकाई की कर रहे हैं। अब अगर हम कॉमिक्स की बात करें तो हॉकाई को हम एक ब्रेवेस्ट और रिस्पेक्टेबल मेंबर के रूप में जानते हैं, जो किसी भी सिचुएशन में एवेंजर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़ा रहता है। लेकिन एक और चीज जो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ती है हॉकाई के बारे में, कि वो बहुत ही इजी टारगेट होता है किसी भी सुपर विलन के लिए, जिसकी वजह से उसे उतना फैंस का प्यार नहीं मिलता है जितना प्यार का वो हकदार था। हॉकाई के बाद नंबर आता है सर्सी का, जो कि अपने इम्पोर्टेंट रोल के बाद भी लीस्ट इंटरेस्टिंग सुपर हीरो थी एटर्नल्स के अंदर भी। वैसे एक बहुत बड़ा मूव था मार्वल स्टूडियोज का, जिन्होंने सब एटर्नल्स को असेंबल करने के बाद मेन एटर्नल कैरेक्टर का ही रोल फेड कर दिया था। वैसे अगर बात पूरी एटर्नल्स टीम की करें तो ये बात हम जानते हैं कि एटर्नल्स इतना अच्छा कॉन्सेप्ट होने के बाद भी मार्वल फैंस के दिलों में अपनी वो जगह नहीं बना पाया था जो कि होनी चाहिए थी। ऊपर से सर्सी के बोरिंग कैरेक्टर्स ने तो फैंस को पूरा का पूरा ही निराश कर दिया था। अब एटर्नल सर्सी के बाद जिस कैरेक्टर का नंबर आता है वो अपनी ओवर पावर्ड सिचुएशन की वजह से काफी हेट झेलती हुई आई है, और मुझे पता है आप यह समझ भी गए होंगे कि हम बात कैप्टन मार्वल की कर रहे हैं। कैप्टन मार्वल को हमेशा ही सुपरमैन के साथ कंपैरिजन झेलना पड़ता है अपनी ओवर पावर्ड पावर्स की वजह से, इसीलिए मोस्टली फैंस उनको और कैप्टन मार्वल फ्रेंचाइज को हेट करते हैं। वैसे इसका एक कारण ब्री लार्सन खुद भी है, क्योंकि मोस्टली उनसे फैंस मिसोग्निस्ट होने की वजह से ज्यादा हेट करते हैं। और अगर मिसोग्निस्ट वर्ड का हिंदी मतलब आप जानना चाहते हैं तो प्लीज आप उसे गूगल कर लीजिए, क्योंकि एक ऐसी टर्म है जिससे किसी कैरेक्टर को जज और हेट करना प्रॉपर नहीं है। अब कैप्टन मार्वल के बाद बारी आती है एक हाफ सेलेस्टियल की, जो कि द लिविंग प्लेनेट एगो का बेटा है और इन्फिनिटी वॉर का सबसे बड़ा विलेन। जी हाँ, हम यहाँ बात कर रहे हैं स्टार लॉर्ड की, जिसे गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी में भरपूर प्यार मिला था, लेकिन उसके इन्फिनिटी वॉर में इमेच्योर बिहेवियर और एक्शन ने उसे फैंस की नजरों से उतार दिया था। मोस्टली फैंस तो उसे ही जिम्मेदार मानते हैं, जिसकी वजह से एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थानोस को हरा नहीं पाए थे। वैसे मैं क्रिस पैट के ऊपर ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि स्टार लॉर्ड एक ऐसा कैरेक्टर है जो मार्वल के गैलेक्टिक डिफेंडर्स के बीच में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखना ये होगा कि आने
वाली थॉर लव एंड थंडर और गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के वॉल्यूम 3 में मार्वल स्टूडियो स्टारलॉर्ड के कैरेक्टर को किस तरह पोर्ट्रे करते हैं। अब फाइनली हमारी लिस्ट में आज जिस कैरेक्टर ने टॉप किया है वो मार्वल के एक ऐसे प्रोजेक्ट से है जो कंटिन्यूसली उनके लिए मनी मेकिंग का काम करती आई है, लेकिन फिर भी उस फ्रेंचाइज को वो डाई हार्ड फैंस नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे। हम यहाँ बात वॉस्प की कर रहे हैं जो एंटमैन फ्रेंचाइज से है। वैसे तो एंटमैन फ्रेंचाइज की थर्ड इंस्टॉलमेंट काफी चर्चा में है, इसका कारण उसके अंदर अपीयर होने वाले नए नए कैरेक्टर्स हैं। लेकिन द वास्प का किरदार निभा रही इवेंजेलिन के कैनेडियन ट्रकर कॉन्वॉय के सपोर्ट की वजह से उनकी पॉपुलैरिटी काफी कम हो गई है, इसकी वजह से उनके लिए हिट काफी ज्यादा बढ़ गया है जिसको मार्वल स्टूडियोज पता नहीं कैसे हैंडल करेंगे। और इन्हीं सारे इवेंट्स की वजह से द वास्प मार्वल की मोस्ट हिटेड सुपर हीरो भी बन गई है। पर कोई बात नहीं, चीजें सर्टेन नहीं होती है, हो सकता है कि एंटमैन एंड द क्वांटम मेनिया से उनकी ये इमेज चेंज हो जाए, पर अभी की सच्चाई तो यही है कि उनको मार्वल फैंस के द्वारा सबसे ज्यादा हेट किया जाता है। तो ये थी हमारी आज की लिस्ट उन कुछ अनलकी सुपर हीरोज के ऊपर जो अपनी दमदार परफॉर्मेंस डिलीवर करने के बाद भी मार्वल फैंस के दिलों में जगह नहीं बना पाए हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आप कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको MCU के अंदर लीस्ट इंटरेस्टिंग सुपर हीरो कौन सा लगता है। मिलते हैं आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।